अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं साद। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज, और 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन 1 ही सॉल्व करेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने पिक किया, बाकी 2 पार्ट आप लोग खुद कर लेना। हमें उस पार्ट में करना क्या है, पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या है, हमें एक इक्वेशन दी जाएगी लाइन की, और 2 पॉइंट दिए जाएंगे। 2 पॉइंट्स मतलब एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जिनको ज्वाइन बोला गया है, ठीक है। तो ये मैंने रफ फिगर बनाई है, मैंने वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं बनाई। आप लोग इसे फेयर बनाना पेपर में भी आप लोग मतलब अगर बनाओगे तो उस तरह बनाना, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूरा ग्राफ में जिस तरह आप लोग बनाते हो उस तरह प्लॉट करना है इसे। मैंने आप लोगों को आइडिया दिया जस्ट कि ये 2 पॉइंट थे, इनके दरमियान एक ज्वाइन था, पूरा ज्वाइन मतलब एक लाइन सेगमेंट बना दिया हमें, ठीक है। एक और लाइन थी जिसकी इक्वेशन गिवन है y-x+2 पहले पार्ट में, तो इस लाइन ने इस सेगमेंट को डिवाइड किया, इंटरसेक्ट किया, कुछ भी आप बोल दो। अब हमें क्या करना है, इस लाइन ने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इस सेगमेंट को, उस पॉइंट की रेशियो निकालने के, इस पॉइंट ने किस रेशियो में इस ज्वाइन को डिवाइड किया, 1:2, 2:2, किस रेशियो में डिवाइड किया। लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ना जिसने इस सेगमेंट को डिवाइड किया है, इस पॉइंट को जो मैं एक्स वाई लिखा हुआ है, इसके हमें रेशियो निकालने के, इस पॉइंट ने किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को कट किया है, ये वर्किंग करनी है हमें, ठीक है। तो गिवन हमारे पास जो पॉइंट है वो ये वाले हैं। अब मैंने रेशो क्या अलर्ट कर लिया, आमतौर पर मैं रेशो m1:m2 करता था, ठीक है। लेकिन अगर आप 1:n कर दोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। 1:n का मतलब क्या है, देखो रेशोज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मैं रेशो के बारे में मैंने बताया आप लोगों के, वैल्यूज को कंपेयर करते हैं आपस में, ठीक है। अब जैसे ये रेशो होता है 1:6, ठीक है। अगर मैं लिखूं 10:60, दोनों सेम होंगे, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेशो, कि रेशो जो होता है वो सेम रहता है। पहले में क्या मतलब है, कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, ए क्वांटिटी है हमारे पास, फर्स्ट करो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, तो अगर क्वांटिटी 1 जो है वो 1 है तो क्वांटिटी नंबर 2 जो होगी वो 6 होगी, ठीक है। नीचे बिल्कुल वही रहेगा, अगर क्वांटिटी 1 10 है तो क्वांटिटी 2 60 होगी, मतलब प्रोपोर्शन इनका सेम रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो सेम रेशो से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको इक्वल रेशो कहते हैं। इनको अगर आप डिवाइड करोगे 10 से तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो ऊपर था, ठीक है। ये इक्वल रेशो होते हैं। अच्छा, रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, मैं जैसे मैंने इसमें लिखा 10:60 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं थी। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, जिसमें आपके पास होल नंबर होते हैं, और ऐसा कोई होल नंबर नहीं होता जिसे आप डिवाइड करो दोनों को और आपको होल नंबर मिले। जैसे 1:6 है ना, अब ऐसा कोई होल नंबर नहीं है 1 के अलावा, 1 से तो हर चीज़ डिवाइड होगी तो आंसर वही आता है। 1 के अलावा ऐसा कोई होल नंबर नहीं जिससे मैं डिवाइड करूं और मेरे पास आंसर होल नंबर आए। चेक कर लो 2 से डिवाइड करके देखो, ये तो 2 से डिवाइड करके 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.5। तो हम अपने जितने रेशोज होते हैं उनको होल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशो क्या होता है, जिसे आप होल नंबर से डिवाइड करो होल नंबर ना आए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। आप डिवाइड करते रहोगे जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आएगी, तब तक आप छोड़ोगे नहीं और करते रहोगे, ठीक है। अब जो इस पे आते हैं, ये क्या है 1:n, देखो मैंने आप लोगों को m1:m2 में करवाया, अगर आप उस तरह प्लॉट करो कोई मसला नहीं है, आप लोग लेट कर लो m1:m2 कोई मसला नहीं है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो है इसमें आसान मतलब थोड़ा इजी तरीका है ये, और इसमें होता क्या है, जैसे फर्ज करो 1:6 है, ये मेरा रिक्वायर्ड रेशियो आना था, मैंने सवाल के स्टार्ट में क्या लेट कर लिया 1:n, या बुक में आपके 1:λ लिखा हुआ, कुछ भी आप लैम्डा कर लो, एक्स कर लो, एन कर लो, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग मैंने इससे स्टार्ट की और एंड मेरे पास आंसर 1:6 आना था, और एन मेरे पास क्या आ गया, एन मेरे पास आ गया 6, तो रेशो मेरे क्या बन जाएंगे 1:6, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एन मेरे पास फ्रैक्शन में आ जाए, लेट्स से 2/3 आ जाए मेरे पास एन, अब मेरे रेशो क्या बनेंगे 1:2, 2/3। और मैंने आप लोगों को बोला है कि रेशो को हमेशा होल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, तो आप लोग करोगे क्या, जो डिनोमिनेटर होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, मतलब दोनों रेशो को मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो होल नंबर मेरे से 3:2 आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 1:n लिखते हैं, बाकी अगर m1 m2 कर दो तो कोई मसला नहीं होगा उसका। अब किया गया हमने कि सबसे पहले 1:n रेशो लेट कर लिए, ये 2 पॉइंट है, हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने, हमें इस पॉइंट एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, m1 x2 + m2 x1 over m1 + m2, ये फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, और ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस पॉइंट एक्स वाई के, ठीक है। अब जो पॉइंट एक्स वाई है ये लाई कर रहा है हमारी इक्वेशन पे, ये वाला पॉइंट जो है इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो अगर ये इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है
तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। मतलब अगर कोऑर्डिनेट पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी इक्वेशन के, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आप पुट कर दो इस इक्वेशन पे जो पहले पार्ट में गिवन है। तो वाई क्या है इसका 9 - n 1 + n, और एक्स क्या है इसका 8 + 3n और 1 + n, दरमियान में माइनस आ जाएगा, प्लस 2 लिखोगे। एलसीएम लोगे आप लोग, 1 + n को उधर भेजोगे, 0 हो जाएगा वो, तो ये आपके पास फॉर्म आएगी। मल्टीप्ली ऐड करना है, सेपरेट करना है आप लोगों को, और आखिर में आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, n का 3/2। अब रेशो आपके क्या बन गया जो आपके रिक्वायर्ड थे, 1:3/2। अब आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड रेशो जो है वो आपके 2:3 हो जाएंगे। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 पिक किया है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और आपको उसे डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, लाइक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, और परपेंडिकुलर फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में। आपने उसे रिड्यूस करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है y = mx + b, ठीक है। इसमें m स्लोप होता है और b y इंटरसेप्ट होता है। मैंने आप लोगों का MCQs में भी एक सवाल था कि इक्वेशन में y इंटरसेप्ट निकालना था, मेरे ख्याल में y इंटरसेप्ट 2 था, कुछ ऐसा था इक्वेशन में, तो मैंने आप लोगों को इस फॉर्म में चेंज करवा के आखिर में ये जो चीज़ थी मैंने बोल दिया था ये इसका y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये तरीका भी होता है इक्वेशन का y इंटरसेप्ट निकालने का। इसमें भी आपको b, अगर किसी भी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में चेंज करके जो भी b आएगा वो भी y इंटरसेप्ट होता है। या इसका इजी तरीका ये भी है कि इस इक्वेशन में आप x0 कर दो और y इंटरसेप्ट निकाल लो। तो डिफरेंट तरीके, क्योंकि ये सब एक ही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बस इनकी फॉर्म डिफरेंट है, ठीक है। तो किस तरह चेंज करोगे, सबसे पहले ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब जो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जिस फॉर्म में हमें चेंज करना है उसको गौर से देखो, उसमें y जो है इसका कोफिशियंट 1 है, तो हमें इस इक्वेशन में y का कोफिशियंट 1 करना पड़ेगा। अब वो किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के। सबसे पहले y की टर्म को तो अलग कर लो जो इस फॉर्म में है, तो मैंने क्या किया, -√3y को उधर ले गया, 4 को उधर ले गया, x - 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें y का कोफिशियंट 1 करना है। 1 किस तरह करोगे, दोनों साइड ऑफ इक्वेशन जो है ना उसे √3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये √3 से डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा इधर, ये 1/√3 हो जाएगा, -4/√3 हो जाएगा। अभी भी देखो हमारी फॉर्म थोड़ी सी चेंज रहती है, अभी वो क्या रहता है, दरमियान में माइनस आ रहा है और इधर पॉजिटिव आता है। तो आप लोग करोगे क्या, पॉजिटिव इधर लिखोगे, माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म हो जाएगी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो ये स्टेप मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए किया, पेपर में ज़रूरी नहीं है कि इसको अगर आप कंपेयर करोगे इससे तो एम क्या होगा, ये पूरी चीज़ 1/√3, और बी जो y इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, -4/√3। अगर आप इस इक्वेशन में निकालो ना y इंटरसेप्ट, x को 0 पुट करोगे तब भी आपके पास जो y इंटरसेप्ट आएगा -4/√3 आएगा। फिर आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x/a + y/b = 1। तो अब इस फॉर्म में देखो जो आपकी जो आपका लेफ्ट जो राइट हैंड साइड है वो है 1, तो इस इक्वेशन में भी आपको राइट हैंड साइड 1 करना पड़ेगा। किस तरह 1 करोगे, इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करवा दो, इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कराओगे तो ये 1 हो जाएगा, सिंपल। ये 4 से डिवाइड होगा तो -√3/4 हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड होगा तो 1/4 आ जाएगा, या x/4 मैंने लिखा है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 4 से डिवाइड करने के बाद, दोनों साइड जो बोथ साइड है उनको डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। अब इसमें क्या चेंजिंग करनी है आपको, इस बार इधर देखो x और y का कोफिशियंट क्या है, 1, तो आपको 1 करना है। 1 किस तरह करोगे, √3 को ना 4 के डिनोमिनेटर में ले आओ, ये मैं 4 के डिनोमिनेटर में ले आया। दोबारा जब मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है, तो √3 दोबारा मल्टीप्लाई होकर √3y/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह ट्रांसफॉर्म करोगे कि √3 को 4 के डिनोमिनेटर में ले आओगे। उसके बाद हमें चेंजिंग क्या करनी है, बस यहाँ प्लस है या नेगेटिव है तो हमें प्लस करना है। किस तरह करेंगे, यहाँ प्लस लिख लो और माइनस को इसके साथ लिख लो, ठीक है। माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे। तो ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें a मतलब जो x इंटरसेप्ट क्या होगा 4, और b y इंटरसेप्ट क्या होगा -4/√3, जो यहाँ से भी आपका निकला था, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हो कि इसमें कहीं गलती ना कर दी हो, गलती की होगी तो ये फिर b सेम नहीं आएगा। अच्छा, इस इक्वेशन से भी अगर आप x इंटरसेप्ट निकालोगे, यहाँ 4 आया ना, x इंटरसेप्ट निकालोगे तो क्या होगा, y 0 हो जाएगा, x 4 आ जाएगा। तो सब इक्वेशन में x y इंटरसेप्ट सेम होंगे। तो गाइस, थर्ड फॉर्म जिसमें हमें चेंज करना है वो है परपेंडिकुलर फॉर्म, और परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है, x cos α + y sin α = p, और p हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो ये वाली है, हमें रिक्वायर्ड फॉर्म इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया, हमें बहुत दफा बताया कि p जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हमें ये वाली चीज जो होगी जो लेफ्ट एंड जो राइट हैंड साइड पे होगी वो हमें पॉजिटिव रखनी होगी,
ठीक है, अगर नहीं है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इस सवाल में हमारी, इस सवाल में 4 है जो कि पॉजिटिव है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो आप लोग क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देते माइनस से, तो ये पॉजिटिव हो जाता। यहाँ पहले पॉजिटिव में तो जरूरत नहीं है। अब आपने करना क्या है, इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो, अगर ए एक्स प्लस बी वाई, अगर सी को छोड़ दो, सी का हमें काम नहीं है अभी, ए एक्स प्लस बी वाई, तो एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा वो ए होगा, वाई का कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहां 1 है, और बी का कोएफिशिएंट क्या होगा, कुछ भी बी है। अब बी है क्या, नेगेटिव रूट थ्री, तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव रूट थ्री। ये वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट वाला नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब मैं जो कहता जा रहा हूँ उस पर ईमान है, बाद में मैं आप लोगों को प्रूफ समझा दूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है मैं ऊपर से बात नहीं करता, डिटेल में जाता हूँ, तो मैं बाद में आप लोगों को समझाता हूँ कि रीजन इसकी बताता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, के एक चीज है, बाद में बताऊंगा क्या है, कोई भी के नंबर कह दो आप लोग। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसको के इक्वल होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ए क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और बी क्या है, नेगेटिव रूट 3, इसका स्क्वायर लोगे तो 3 आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर लोगे तो 3 आएगा आपके पास। तो 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जो भी की वैल्यू ऑफ के आई, आप लोगों ने उससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। इस इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 ओवर 2x, इसको डिवाइड करोगे तो y माइनस रूट 3 ओवर 2, और इसको डिवाइड करोगे 4 ओवर 2, तो 2 हो जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर फॉर्म होगी, जिसमें x के साथ जो ये चीज है वो cos अल्फा होगी, y के साथ माइनस रूट 3 ओवर 2 है ये sin अल्फा होगा, और जो आपके राइट हैंड साइड पर जो है वो आपका p होगा। यहाँ ये p नहीं है क्योंकि जनरल फॉर्म में, p बस तो होगा जब आप नॉर्मल फॉर्म में कंपेयर इससे चेंज करोगे। तो ये जो p2, अब जो 2 आया ना वो आपका p कहलाएगा, ठीक है।